गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपना 9 चैप्टर पढ़ेंगे एसएस का। उसका नाम है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। इसमें हमें धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहले है कि 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कौन सी सदी में? 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक और जो आंदोलन है उनका भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनेक कारणों से भारत में धर्म एवं समाज में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। इसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। भारत में सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियाँ आ गई थीं, जैसे कि छुआछूत कुरीतियाँ हैं अपने समाज में, भारतीय समाज में जीवन में, वह जैसे कि छुआछूत, सती प्रथा, दलितों की दुर्दशा, वली प्रथा, मद्यपान आदि, जिनके कारण भारतीय समाज पतन का मतलब होता है नष्ट की ओर के द्वार पर खड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध भारतीयों ने इसमें सुधार लाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। वो आंदोलन हमें इसमें पढ़ना है। पहला है जैसे कि एक सभा का, एक समाज की स्थापना की जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी? ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये भी आप याद रखेंगे, ब्रह्म समाज इम्पोर्टेंट है। किसने की थी इनकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। जे भी आप अग्रदूत, भारतीय जो राष्ट्रीयता है इसके क्या कहे जाते हैं? जे अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उन्हें भारत में सुधार आंदोलन का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत के सुधार आंदोलन, जैसे कि जो अभी कुरीतियाँ आ गई थी अपन पढ़ाए थे, छुआछूत, ऐसे जो भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ आ गई थी, उन्हें सुधार, भारत के सुधार आंदोलनों का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है, अब 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में अनेक विचारों का व्यापक प्रभाव था। ये डेट याद रखेंगे, 20 अगस्त 1828 में, कितनी को? 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कौन सी समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की। डेट याद रखना है 20 अगस्त 1828 को। इसके सदस्य शनिवार को सायंकाल एकत्रित होकर उपनिषदों का वाचन करते थे। देखिए, अपने उपनिषदों की संख्या 106 है, सॉरी 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण, उनका क्या करते थे? ये वाचन करते थे, उपनिषदों का वाचन करते थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों के साहित्य को पढ़कर निष्कर्ष निकाला कि सभी सभी धर्मों में एकेश्वरवादी का अंश होता है, यानी कि एक है, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये आपको याद रखना है, जो राजा राम मोहन राय थे वो मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। उन्हें बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी के अनेक ग्रंथों की रचना की थी। जैसे अनेक भाषाओं में, बांग्ला भाषा में, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों के बारे में लिखा है, रचना की। और बांग्ला और फारसी दो समाचार पत्र प्रारंभ किए। समाचार पत्रों को भी अपने याद रखना है, कौन कौन? बांग्ला भाषा में और फारसी भाषा में दो समाचार पत्रों का उन्होंने प्रकाशन किया। दूसरा लिखना है, दूसरा याद रखना है, उन्होंने सती प्रथा का क्या किया? सबसे कड़ा विरोध किया था। ये भी आपको याद रखना है, सती प्रथा जो होती थी उसका क्या किया इन्होंने? विरोध किया। विधवा विवाह तथा सभी के साथ शिक्षा का प्रबल समर्थक थे। एक ये भी याद रखना है कि कौन से थे? विधवा विवाह जो हुआ करता था उस टाइम, एक कुरीति थी, उसका भी इन्होंने क्या किया? बहुत जोर जोर से विरोध किया। वे जाति प्रथा के भी क्या थे? कड़े विरोधी थे। यानी जाति प्रथा, जो छुआछूत जैसी समस्याएं चलती हैं, जो जाति प्रथा में कुरीतियाँ, उनको भी क्या करते थे? भारी विरोध करते थे। भारतीय मानव जाति के लिए, देखिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। वे एक महान शिक्षा शास्त्री थे। इस शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। पश्चिमी शिक्षा का समर्थन उन्होंने कौन सी शिक्षा का किया? पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। अनेक प्रयासों
के परिणाम स्वरूप देखिए विलियम बैटिंग इन्हीं के प्रयासों से भारत में जो एक उस टाइम की बहुत बड़ी कुरीति चलती थी उनको ख़त्म कर दिया गया था। कौन सी? सती प्रथा। ठीक है, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के लॉर्ड विलियम बैटिंग। ठीक है, देखिए लॉर्ड विलियम बैटिंग ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। कब? 1829 को। 1833 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देवसान हो गया। यानी कि अब देखिए जो 1800 जो पहले भारत में सच्ची साक्ष जो सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं वो एरन अभिलेख से मिलते हैं, हमें याद रख लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, एरन अभिलेख से क्या मिलते हैं? भारत के सती प्रथा के होने के साक्ष्य मिलते हैं और जो सागर में है अपने मध्य प्रदेश में। अब दूसरा पढ़े, सती प्रथा का विरोध किसने किया और सबसे रोक लगाई, उसका भी नाम याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बैटिंग, उस टाइम भारत का गवर्नर था, और किसके अथक प्रयासों से लगाया? तो राजा राम मोहन राय से के प्रयासों से। ठीक है, कब? 1829 में। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? ये भी आप याद रखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए दूसरी है आर्य समाज। देखिए आर्य समाज की स्थापना याद रखना है स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती। ठीक, 1875 डेट काम की है, कितनी रखना है? 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और उसके स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन सा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती था। ठीक है, ने बताया कि मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है। इन्होंने कहा कि जो मनुष्य के लिए ईश्वर के द्वारा जो सारा ज्ञान है वो कहाँ विद्यमान है? अपने जो चार वेद हैं उन्होंने विद्यमान है। ठीक है, अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए, इसका प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ भी जो याद रखना है कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनका प्रमुख ग्रंथ था, जैसे कि अपन ने उनके पढ़े पत्रिकाएँ पढ़ी थी बांग्ला और अंग्रेजी भाषा जैसी की, इसका ज्ञान कौन सी पत्रिका थी? दयानंद सरस्वती जी की। दयानंद सरस्वती जी की पत्रिका थी, याद रखना है, बहुत काम की है, सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का भारतीय सामाजिक जीवन, सामाजिक धार्मिक साहित्यिक व शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। 59 साल की आयु में इनका क्या हो गया था? देवसान हो गया था। तरह स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इनके जो बचपन का नाम था वो कौन सा, क्या नाम था? मूल शंकर था। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं स्वराज्य की प्राप्ति करने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं। आर्य समाज के अनुयायी 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। कितने सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं? 10 सिद्धांतों का। आर्य समाज की अनुयायियों के द्वारा बाल विवाह का विरोध, देखिए वहाँ अपन ने क्या पढ़ा था? सती प्रथा। यहाँ क्या है, इन किसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं जी? बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक बार रिवीजन कीजिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी एक और प्रमुख ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम क्या था? अभी अपन ने पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ये आर्य समाज जो थी, आर्य समाज के जो अनुयायी थे उन्हें मान, आर्य समाज के जो व्यक्ति थे उन्हें किस सिद्धांत पर चलते थे? वो 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। ये किसका विरोध करते थे? तो बाल विवाह का विरोध करते थे और विधवा विवाह का समर्थन करते थे। चलिए अगली समाज पढ़ना है हमें, अगली है देखिए प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करता है? महादेव गोविंद रानाडे। इनकी स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। अब देखो ब्रज समाज से प्रभावित होकर वो कब की गई थी? 1875 में। अब देखो ये क्या है, प्रभावित होकर सन 1867 ईस्वी में, कब? 1867 ईस्वी में बम्बई में महादेव गोविंद रानाडे ने, किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज की स्थापना कीजिए, आपको याद रखना है।
इस समाज के कार्यक्रमों में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांडू रंग, जे दो व्यक्तियों का नाम आप याद रखेंगे प्रार्थना समाज में, आत्माराम पांडुरंग और रामकृष्ण गोपाल जैसे नेताओं का सक्रिय योगदान रहा था। अब देखिए, प्रार्थना समाज में स्त्रियों के उद्धार के लिए कार्य किया एवं विधवा पुनर्विवाह का क्या किया, इन्होंने भी समर्थन किया। जैसे कि अपन ने ब्रह्म समाज पढ़ा, उसमें भी क्या हो रहा था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर रहे थे, तो ये भी क्या कर रहे हैं, विधवा विवाह का समर्थन करते हैं पुनर्विवाह का। रानाडे ने समाज की जागृति में शिक्षा के प्रमुख बताते हुए, रानाडे जो थे महादेव गोविंद रानाडे, उन्होंने कहा कि समाज की जागृति किसके द्वारा हो सकती है, शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने क्या दिया, स्त्रियों महिलाओं की शिक्षा पर क्या दिया, जोर दिया। जाति प्रथा अस्पृश्यता का क्या किया, उन्होंने विरोध किया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम धर्मों के आधार पर क्या हो, उन्हें एकता के बांटने का प्रयास, एकता में बांधने का प्रयास किया। दलित कन्याओं के लिए स्कूल खोला, ठीक है, दलित कन्याओं के लिए क्या खोला, स्कूल खोला। अब देखिए, सन 1884 ईस्वी में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। कौन सी सोसाइटी की स्थापना की, याद रखना है जी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, कब, 1884 को। ठीक है, देखिए कालांतर में ये क्या बन जाता है, एक कॉलेज बन जाता है, फार्गुसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी प्रार्थना समाज का क्या किया था, समर्थन किया था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भी क्या किया गया था, प्रार्थना समाज का समर्थन किया गया था। चलिए अगली है, ज्योतिबा फुले एवं सत्यशोधक समाज। देखिए, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने। बंगाल एवं बंबई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर, किसे, बंगाल और बंबई में जो सुधार आंदोलन चल रहे थे उनसे प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से इन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए एक क्या खोला, स्कूल खोला। दलितों के लिए क्या खोला, एक स्कूल खोला। छुआछूत का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। जन आंदोलन चलाया जिससे समाज को वह दलितों की समस्याओं से अवगत कराने में सफल भी रहे। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने भी समर्थन किया। इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। अनेक प्रयासों से ही कालांतर में जगन्नाथ सेठ और भाऊ दाजी जैसे समाज सुधारकों का भी सक्रिय योगदान रहा है। अगली है, रामकृष्ण मिशन, जानते होंगे आप स्वामी विवेकानंद के लिए। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन ने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल के हुगली जिले में 1836 बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे तथा उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता को क्या किया, स्वीकार किया था। ये पहला पॉइंट क्या है, भारतीय समाज को
महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया। ये अभी अपन ने कुछ संग पढ़ा था, वो उनमें क्या था, मूर्ति पूजा का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इन्होंने, लेकिन मूर्ति पूजा का क्या किया, समर्थन किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उस समय के सभी सुधारक प्रभावित थे। उनके उपदेशों एवं शिक्षाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य उनके शिष्य किसने किया था, उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 1863 ईस्वी में बंगाल के एक साभ्रंत परिवार में हुआ था। इनका भी बंगाल में है और बंगाल के ही ये 1836 में रामकृष्ण का होता है। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। ज्ञान की खोज के लिए भी वे रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। उनसे प्रभावित होकर 1897 ईस्वी को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज सेवा करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि आध्यात्म जो भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर उनका समाज की सेवा करना। मिशन में बाढ़, अकाल, प्राकृतिक विपदाओं एवं महामारियों के समय समाज के अनेक राहत कार्य किए, जैसे शैक्षण संस्थाओं को खोलने के काम भी किए। रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों व पूजा पद्धतियों को आदर भाव से देखा तथा सभी को आस्थाओं का सम्मान किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को जागृत करने के लिए गरीबी दूर करने के प्रयासों पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताया। ठीक है, भारतीय संस्कृति को क्या बताया, विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताया। विदेशों में भी इसका क्या किया, प्रचार प्रसार किया। अब है, स्वामी विवेकानंद युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने भूखे को भोजन, अज्ञान को ज्ञान और निर्धन को प्रेमपूर्वक सहायता करने को ही सबसे बड़ी पूजा माना था। इससे आगे अपन आगे पढ़ेंगे, इतना आप याद कर लेना।